हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। रात भर भोपाल के जमहूरी मैदान पर डटे रहे करणी सेना कार्यकर्ता, संगठन प्रमुख समेत 5 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर। अमरोहा में पूर्व सांसद ने अपने निजी विद्यालय का किया लिया जायजा, गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूरा कराने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे चंदौली, चंदौली को दी 27 करोड़ की सौगात। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज, साउथ अफ्रीका ने तीसरा टेस्ट ड्रॉ करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। जिले में कई दिन से कड़ाके की ठंड हो रही है और सर्दी बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से कोहरे और कड़ाके सर्दी का सितम जारी रहा है, इससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह कोहरा छाए रहने से लोगों ने वाहन की हेडलाइट जलाकर सफर तय किया। बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलने के आसार हैं और विभाग ने अगले 24 घंटे में हवा सामान्य गति से पछुआ चलने और औसत तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान लगाया है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार नाम है। इधर भी ठंड कब से बढ़ना शुरू हुई है और किस तरह की ठंड हो रही है और क्या व्यवस्था दे रहे हैं सरकार प्रशासन द्वारा? 1 जनवरी से लगातार ठंड बढ़ रही है, ठंडी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अलाव की व्यवस्था जगह जगह पहले होती थी, अब नहीं हो रहा। जो कि छोटे व्यापारी लोग आते थे, मजदूर हैं, होम गार्ड हैं, ये आते हैं जो सुबह सुबह घर से निकले हुए हैं काम के लिए, यहाँ पे देखते हैं कहीं पे अलाव की व्यवस्था नहीं है, अपने को गर्म रखने के कोई प्रकार का साधन नहीं है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि छोटे छोटे जगह पे अलाव जलाते रहे हर चौराहे। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष। आशुतोष, देखा जाए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुल्तानपुर में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किया गया है ठंड को लेकर? बता दें, दिसंबर महीने से जो ठंड और गलन का जो माहौल शुरू हो जाता था, वो आज नए साल से ही मतलब 2023 लगते ही ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा ही बढ़ गया है। कहीं ना कहीं घना कोहरा या फिर शीतलहर, ये कुछ हवाओं के साथ ठंड का असर हो रहा है। मतलब जिस तरह ठंड हो रही है, अगर इसमें कल की डेट में अगर हम आपको बता दें, धूप भी निकली थी, धूप निकलने के बाद भी कुछ राहत नहीं मिल रहा था और इसी साथ चलते चलते जो है कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था, और कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। जहां मुख्य जगह पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर अलाव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस पर चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नगर पालिका हो, ये कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था इसको सुनिश्चित कराई जाए और यात्री के मुसाफिर जो भी बाहर से आ रहे हैं या जा रहे हो, उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। कड़ाके ठंड में मजबूरी में लोग, कुछ लोग सफर भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं हम जी। हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था लोगों को मिल रही है और क्या सरकार दे रही है व्यवस्था ठंड को लेकर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनीता है, मैं सुल्तानपुर के रहने वाली हूँ और यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड की वजह से मतलब सारे लोग ठीक से मतलब बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और यह है कि कल जो धूप भी निकला था, धूप निकलने की वजह से सारे लोग अपना काम छोड़कर धूप में मतलब चले गए और धूप में चले जाने की वजह से वो लोग अपना काम भी नहीं कर पाए। ठंड इतनी वजह है, धूप निकलने की वजह से भी और मतलब ठंड की राहत नहीं मिल रही है। सरकार द्वारा, जो नगर पालिका द्वारा जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था होती थी, क्या वो कहीं देखने को मिल रही है आपको? नहीं। क्या अपील करती है लोगों से? मेरा तो सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि मतलब ठंड इतनी जो नया साल मतलब लगते ही 2023 में इतना ज्यादा ठंड है, मेरा तो यही कहने का मतलब वो है कि हर एक स्टेशन पर हर एक जगह जो मतलब यात्री जा रहे हैं, उन लोगों को मतलब रुकने का थोड़ा बहुत इंतजाम करना चाहिए सरकार को। ठीक, जैसा कि इन्होंने बताया है, चाहे सरकार या प्रशासन कोई भी हो, इसकी हर जगह व्यवस्था की जाए, यात्री जो है सुरक्षित में रहे और ठंड से बचें। अगर मजबूरी आपकी बन रही है तभी आप घर से ही बाहर निकलें। जी,
तो फिर उसका जो है उसमें कुछ समस्या आपकी हल हो सकती है। आशुतोष, देखा जाए तो ठंड के कारण हार्ट अटैक की खतरा ज्यादा बढ़ गया है, इससे लोगों की मौत हो रही है। तो प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हॉस्पिटल्स में वहाँ किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जिस तरह यहाँ पे जिलाधिकारी हो या फिर CMO डॉक्टर हो, और मौजूदा हालत में दोनों लोग की व्यवस्था कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक उन लोग की नजर नहीं पड़ पा रही है, और उन लोग को बीच में निकलना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट के लिए निकले चाहे आधे घंटे के लिए निकले, कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएं, या जो उनके द्वारा रैन बसारी की व्यवस्था हो या अलाव की व्यवस्था हो उसके बारे में भी जानकारी ली जाए, वहां पे क्या किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है और किस तरह की लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। वहां पे राहत के साथ साथ जो है जनता को जो है जानकारी लें, वहां पे जो है जानकारी के साथ साथ जो है अपील करें आपको किस तरह की व्यवस्था चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। खबर अमरोहा से है, जहां इलाके के गांव पंडकी में अपने माता पिता नारायणी देवी एवं हुकम चंद जी ने अपने नाम पर निजी खर्चे से पूर्व सांसद के द्वारा अखिल भारतीय विद्या भारती संस्था के द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के निर्माण कार्य का जायजा लिया, और पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे जिम्मेदारों से गुणवत्तापूर्वक जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विद्या भारती के स्कूल में मेरी तरफ से पूरी मदद है और अपनी तरफ से पूरी मदद करके इसको हम बना रहे हैं, और मेरी माँ के नाम से नाम रख रहे हैं। लेकिन मैं आज यहाँ देखने आया था, बाउंड्री वॉल होगी, चार दीवारी होगी, तो बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया, तो जल्दी 2023 के लास्ट तक इसको हम चालू कर देंगे। ये जो मकसद है, ये आपने जो शिक्षा को लेकर के एक अलग जगाई है, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये माननीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा संदेश है, जहाँ जिस क्षेत्र में स्कूल नहीं है वहाँ विद्या भारती बहुत बड़ी मदद कर रही है, बच्चों के वहाँ स्कूल खुलवा। खबर औरैया से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते कई गाड़ियों के आपस में टकराने से भयंकर हादसा हो गया। बता दें इस हादसे में गाड़ियों के अलावा किसी को भी चोटें नहीं आई। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के नेतृत्व में एरवा कटरा थाना अध्यक्ष जीवाराम ने थाना परिसर में गरीब लोगों को कंबल बांटे। मौके पर CO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय का जिले में 7 महीने का कार्यकाल हो गया है। वहीं चारू निगम ने एरवा कटरा थाने का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही साफ सफाई देकर थाना अध्यक्ष जीवाराम की सराहना भी की। इसके अलावा पुलिस बल के साथ मुख्य चौराहों और बाजारों का पैदल गश्त भी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 27 करोड़ की लागत से 127 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास बटन दबाकर किया, और साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। खबर रायबरेली से है, जहां स्थानीय नगर पंचायत के लखनऊ मार्ग पर साइकिल व्यवसायी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं परिजनों के अनुसार वो एक मिलनसार व्यक्ति था और उनका किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। बता दें पुलिस को गुमशुदगी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? श्रेयस गुप्ता। क्या हुआ बेटा, क्या घटना हुई है? पापा सुबह 4 बजे निकले थे, वो अपने 5 से 4 थे, तो तब से वापस नहीं आए। कब गए थे बेटा? 5 बजे गए थे कल सुबह। कल सुबह गए थे, अभी तक वापस नहीं आए? नहीं। अच्छा, अभी कोई सूचना कहीं प्राप्त नहीं हुई इसके संबंध में? नहीं। अच्छा, तो तुम लोगों ने कहीं रिश्तेदारी और सब जगह फोन ऑन किया इसके बारे में? किया। कोई सूचना नहीं मिली? ठीक है बेटा। क्या नाम है आपका?
सुनीता जी, क्या घटना हुई है? मॉर्निंग वॉक जाते हैं डेली की तरह जी, कल भी गए थे, 9:30 बज गए, तो हम सोचे सैटरडे कहीं बैठे थे होंगे वो जी, लेकिन 9:30-11 बज गए फिर भी नहीं है, तो हमको चिंता हुई। फैमिली लोगों से हमने कहा कि आगे से दरवाजा खोलिए, ताला खोलिए जी आगे से, फिर अपने मायके वालों को हमने बुलाया, यहाँ कोई ताला खोलने तैयार ही नहीं था, फिर उसके बाद FRI दर्ज हुआ, अच्छा किस चीज़ का? क्या नाम है दादा आपका? रमाकांत गुप्ता। क्या हुआ है गुप्ता जी, क्या घटना, क्या घटना हुई है, किस वजह से ये भीड़ लगी हुई, क्या हुआ? घटना यही है कि वो टहलने गए थे। अच्छा, कौन पता चल रहा है, और टहलने गए थे उसके बाद में 10:30 बजे तक थे, लौटे नहीं। कौन गया था टहलने? ये हमारा लड़का जो है। क्या नाम है उनका? आशुतोष कुमार गुप्ता। अच्छा, आपके लड़के कल टहलने गए थे, तब से वापस नहीं आए। हाँ, थाने में इसके बारे में आपने प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, थाने में सूचना कर दी। चलिए, क्या उम्र है आपकी? खबर आए बरेली से है, जहां भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कुचारिया में लंबे अरसे से धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विराम लगाते हुए मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठनों ने पदाधिकारियों ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि गरीब लोगों को बहला फुसला कर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, और ईसाइयों की प्रार्थना महासभा में शामिल हिंदू लोगों को भी बरामद किया गया। बता दें, हिंदू संगठनों ने थाने में पहुंचकर धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दादा, क्या नाम है आपका? हरिवंश सिंह चौहान, विभाग सेवा प्रमुख। दादा, क्या प्रकरण रहा आज यहाँ, किस लिए आना हुआ? कुचरिया में कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम काफी अरसे से चल रहा था, जिसकी सूचना संगठन को लगातार मिल रही थी जी, प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया था जी, लेकिन उन लोगों ने जब इस कार्यक्रम को नहीं बंद किया, तब आज मैं स्वयं अब विशेष सुरक्षा प्रमुख सुरेश सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संजय तिवारी, विनोद जी एवं बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के सहयोग से सारे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से आज हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सिटी बस सर्विस को हरी झंडी दिखाते हुए इस बस को रवाना किया, और साथ ही उन्होंने इस बस से खुद एम्स तक सफर भी किया, ताकि वे बस के समय और रास्ते में आने वाली ट्रैफिक परेशानियों को खुद देख पाएं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बस से शुरू होने से न केवल फरीदाबाद बल्कि पलवल के मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। एम्स ब्रांच के डॉक्टरों को क्या सौगात है और किस तरीके से रहेगी ये? बल्लभगढ़ की जो एम्स की जो शाखा है और दिल्ली एम्स के लिए यहाँ से शुरुआत आज हम कर रहे हैं, सिटी बस की, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को दिल्ली जाने में जाए सदन की बात करें या एम्स की बात करें, और यहाँ से लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और इस सिटी से जो बस सर्विस सेवा है, इससे लोगों को, उनको मरीजों को, मरीजों के परिवार के लोगों को वहाँ अगर कोई दिखाना जाता है उसको यहाँ से जाता है वहाँ से जाता है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को जानकारी मिलेगी। ये NCR का इलाका है और बार बार लोगों ने डिमांड की है कि अमरोहा के गजरौला स्थित आवास पर लोकसभा चुनाव के प्रभारी बसंत त्यागी दर्जा राज्य मंत्री और लोकसभा संयोजक ओम प्रकाश गोला का आगमन हुआ। वहीं पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, साथ ही सभी से आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित किए जाने वाले उम्मीदवार को बिना लोकसभा में भेजने का कार्य कराने का संकल्प दिलाया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।